अब आपके शो जी, में सर आपको रोकना चाहूंगी इस वक्त। एक बड़ी खबर, फ्रांस के विदेश मंत्री ने बयान दिया है, बड़ा बयान सामने आया है, यूक्रेन को खत्म करना चाहता है रूस। ये फ्रांस की तरफ से बयान सामने आया है, फ्रांस के विदेश मंत्री की तरफ से ये बड़ा बयान कि यूक्रेन को खत्म करना चाहता है रूस, और इसी वजह से रूस की तरफ से लगातार कदम बढ़ाए जा रहे हैं, एक के बाद एक मिसाइल अटैक हो रहे हैं, 137 लोगों की मौत पहले दिन हुई, और ऐसे में आज भी 7 से 8 हमले हो चुके हैं। हालांकि यूक्रेन की तरफ से भी रिटेलिएशन लगातार जारी है, यूक्रेन की तरफ से भी कई हमले किए गए हैं, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर, फ्रांस के विदेश मंत्री ने ये बयान दिया है कि रूस जो है यूक्रेन को खत्म करना चाहता है, और वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये रूस के टैंक दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं यूक्रेन की सड़कों पर, और किसी भी तरीके से यूक्रेन पर कब्जा जो करना चाहता था रूस वो लगभग कर चुका है रूस। तो रूस की तरफ से किए गए हवाई हमलों की वजह से यूक्रेन की राजधानी कीव में भारी तबाही मची हुई है, जिसकी हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमले के पहले दिन यानी कि कल